वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। प्यारी साहिब संगत जी, असी माइटी कासा के बच्चे एक नाटक पेश करन लगे हाँ, जिसका सिरलेख है निंदा रूप का जो। आस है कि आप जी नूं इस नाटक तो कुछ लाहा प्राप्त होएगा। साहिब संगत जी, एक बेनती है जी, चुप का दान बख्शो जी। ये साखी 1268 जिला शोलापुर महाराष्ट्र विखे होया सी। नामदेव जी का दर्शन करने वास्ते त्रिलोचन नामदेव के घर आया करता सी। दोवे मिल के हरि कीर्तन करते, कदे कदाई नामदेव जी भगतां दीआं साखियां भी सुनाया करते सन। राम राम त्रिलोचन जी, आओ बैठो। सब कुशल मंदी है? हाँ भगत जी, मेरे उत्ते भी मेहर करो, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हाँ। हाँ क्यों नहीं, भगवान पूजा नाल कुशल नहीं होता है, प्रेम नाल होता है। भगवान अपने भक्तों का आख्या नहीं मुड़ता, चल अरदास करिए। भगत नामदेव जी ने अंतर ध्यान करके भगवान तो दर्शन मंगे। धन्यवाद भगत जी, मैं चलता हाँ। भगत नामदेव जी अते त्रिलोचन जी करा नू चले गए। आए गए परौने संत ते मंगते दी चंगी सेवा करते सन। त्रिलोचन जी अते उन्हां दी वोटी संत ते मुंडलियां विच बैठ के कीर्तन भी सुनदे। भगत नामदेव जी को बैठन उठन बहुत सी। नामदेव जी ने आप बारे प्रभु पास अरदास की सी। नाम वाले रूहां नूं भोजन प्रीति करना चाहिदा है, भगवान खुश हुंदा है। खुश रहे बच्चा, वाहिगुरु तुहाडे ते मेहर करे, इसी तरह ही सेवा विच जुटे रहना बच्चा। त्रिलोचन जी की औलाद नहीं सी, दोवे जी सन। संतां दा आना जाना बहुत सी, इस वास्ते उन्हां दी धर्म पत्नी नू आप कम करना पैंदा सी। एक दिन उन्हां ने सलाह कीती, जे कोई नौकर मिल जावे तां संतां दी ठहर सेवा चंगी हो जाया करे। हाय मैं तां थक गई आ संतां दी सेवा करदे करदे, हुण मैनूं इक नौकर चाहीदा वा तां जा सारा कम करन वास्ते। तुसीं हुण जाके मेरे लिए इक नौकर लग पे आए, मैं पा के जावांगा। इसे विचार विच त्रिलोचन जी बाजार विच जा रहे सन, तां आप नूं एक गरीबरा जिहा पुरश मिलिया। ओहदा चेहरा रोग सी, अखां विच चमक ते तेजी, पर लीरे बहुत पाटे हुए सन। उस नूं देख के त्रिलोचन जी ने झिझक के पूछा, क्यों भाई पुरशा, तेरा नाम की है?
मेरा नाम अंतरजमी है। तू नौकर रहना चाहता है? हाँ जी, मैं नौकरी लगता पड़ता हाँ, पर मेरी शर्त कोई नहीं मानता। वो तेरी शर्त की है, जा सकता है खोल के? मेरी शर्त मामूली है, मैं रोटी कपड़े बदले नौकरी करता हाँ, नकद रुपया कोई नहीं मांगता, पर घर दा कोई जी आप विच आंड गौंड मेरी रोटी बदले किसे नाल गल ना करे। ए कदे ही ना आख्या जावे कि मैं रोटियां बहुत खांदा हाँ जां थोड़ियां, सेवा जो आखोगे करांगा, मैं सारा काम जानता हाँ। जिस दिन मेरा खान नाला गया उस दिन मैं नौकरी छड देवांगा। त्रिलोचन जी ने ए शर्त मंजूर कर ली। ए जो टहलवा भगत जी नाल तुरिया असल विच हर जी आप सन। नामदेव जी दे कहन ते त्रिलोचन जी नु दर्शन करन वास्ते आए सन। भगवान ने अपना नाम त्रिलोचन नु अंतरजमी दसिया। अंतरजमी कर आ गया। संत आते जाते रहे, थैलो अंतर जमी आए के दी सेवा बहुत रीच न करता रहा। संत बहुत प्रसन्न हो के ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਦੇ, ਇਹ ਟਹਿਲਵਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸਭ ਇਹੋ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਸਪਤਨੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੀ। गल करदी करदी ओ रुक गई। उसकी गुआंढण ने आख्या, रुक के वे दस दस, मैं गल सेगड़ी दसूगी, ये गल मैं खेते च। अच्छा अच्छा, मैं तुम दस दी हाँ, क्योंकि ये गल तुसी ढिड च पा के रखोगे। गल ए ना, ओ जे टहलवा मेरे घर ठहरा ना, ओदा ढिड के टोआ वा, जेने चार सिर अन्न दवे झट पाटी खा जांदा। भैन मैनू हल दस, मैं ओदा की करा? भैन ओदा उस नु करो बाहर कढ दो ते नवा नौकर रख लो। स्यापा नु क्या? अच्छा भैन, तुसी बहुत ही चंगा हाल लभिया वा मेरे लिए, धन्यवाद भैना, रब तेरा भला करे। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਗੁਆਂਢਣ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਠਹਿਰਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ ਟੈਲੂਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਲਹੂ ਪੀ ਗਿਆ ਵਾ ਮੇਰਾ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕਰ ਆਇਆ।
पर दो सिर आते बदले करो बदलता ये सब कुछ उसका है उसे निभाया वर्त रहे हाँ 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 मैं ही चंद्री हाँ भगवान ने मेनू ना पुत्र धी दिता जो बुढ़ेपे विच सहायता कर सके हुण जिहड़ा नौकर रखिया वो भी चल गया हे स्त्री ईश्वर ते दोष ना ला दोष अपने कर्मा दा है जो मारे चंगे कर्म करते हा उन्ना दा फल पौंदे हा जो बीजा ओही भोगेगा राम नाम दा सिमरन करिया कर सिमरन दा सदका ही जीवा नु अधिक कल्याण होवेगी तेरी आत्मा बलि है उसे बिना रूपी साबन नाम साफ नहीं किता पर ऊपर उदासिया वाला पेस तारण कर लिया है दस इस तो कोई लाभ पहुंच सकता है आत्मा वचन परमात्मा है हाँ हाँ तुसी ठीक कह रहे हो मेरे तो पोलो होगी मेनु माफ कर दो भगवान मेनु माफ कर दो हाँ जी प्यारी सत्संग जी इस नाटक तो सानू की प्राप्त होया सानू निंदिया अते बहुत बोलन तो बचना चाहिदा है गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब विच फरमाया भगत की चाल निराली चाला निराली भगतां खेरी बिखम मार्ग चलना लब लोग अहंकार तश तृष्णा बहुत नहीं बोलना कदे कदाई जब असी भैन भरावां नाल दुख सुख कर दिया असी ये भुल कर जाते हाँ किसी की निंदा भी हो जाती है अते किसे दा दिल भी दुखाया जाता है प्यारी सत्संग जी असी जौहर बारू दे बच्चे दोवे हाथ जोड़ के माफ़ी मंगते हाँ जे कोई गलती हो गई होए अते आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ खास करके सिख सेंटर अते माठी खालसा दे पेंजी खास करके पेंजी हाथ जी नू आस करते हाँ आप जी सानू आशीर्वाद दियो कि असी सदा ही चत्ती कला विच होए गज के पते बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਵਾਜੀ ਹਨ ਮਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਜਮੀ ਪ੍ਰਮੀਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ डेलविन को और मैं अश्विन सिंह वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह Jesus, who came from Jesus, he sent us to Padama.